वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश सरकार छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहती है। हाल में महिला दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों को एक विशेष तोहफा दिया गया है। जो छात्र अपनी पढ़ाई बीच में किसी कारणवश छोड़ चुके थे, उन्हें अब फिर से स्कूल जाने का मौका मिलेगा। और सरकार शिक्षा के मामले में ढेरों पैसा खर्च कर रही है और बहुत सी योजनाएं भी चला रही हैं ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन वही कुछ स्कूलों के लापरवाही के कारण छात्रों के भविष्य और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को मध्याह्न भोजन तो मिलता है, लेकिन उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसे में घटना सामने आई है जहां एक कलेक्टर के टेबल साफ करने की वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि यह घटना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की है, जहां एक स्कूल के निरीक्षण में कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के टेबल पे पोछा लगाते हुए का वीडियो सामने आई है। दरअसल टेबल पर धूल जमी थी और उसी टेबल पे बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा जाना था, तो कलेक्टर ने डांट कर उन्हें साफ कराने की बजाय खुद पोछा लेकर टेबल साफ करना शुरू कर दिया। इससे स्कूल स्टाफ फुर्ती से साफ सफाई में जुट गए। पहले साफ हुआ था ये क्यों? सूखा कपड़ा लगा देना, सूखा कपड़ा एक ला देना, बोल दे चलो बाकी प्लेट साफ कर लो जी। यह पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र हैं, जो बुधवार को पन्ना जिला के बड़खेरा माध्यमिक शासकीय स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और वह निरीक्षण के दौरान काफी देर तक स्कूल में रहे। और इसी बीच बच्चों के खाना खाने का टाइम हो गया और बच्चे जहां खाना खा रहे थे वहां गंदगी थी। साथ ही बच्चे जिस टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे उस टेबल पर भी धूल जमी थी। इसे देखकर कलेक्टर ने बिना कुछ बोले किसी को खुद ही साफ करने लगे। गीले कपड़े से पोछा लगाया और फिर सूखे कपड़े से उसे सुखाया। कलेक्टर को इस तरह खुद साफ सफाई करते देख स्कूल के स्टाफ और उनके साथ पहुंचे अधिकारी कर्मचारी भी शर्माशर्मी में सफाई करने लगे। इस मामले में पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि वो लगातार जिले के शासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान बड़खेरा के शासकीय स्कूल में गए हुए थे, जहां पर बच्चों को जिन टेबल पे खाना खाना था उस पे गंदगी थी। मिश्र ने कहा कि टेबल को वो खुद इसलिए साफ करने लगे क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास का वातावरण को स्वच्छ रखें और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अगर वो किसी को डांट कर काम करा लेते तो शायद लोग इसे बेहतर नहीं समझ पाते, इसलिए खुद सफाई की शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। अगर फिर भी भविष्य में इस तरह की चीजें दोहराई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम सच्ची और अच्छी खबरों को देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज।